Hi guys, welcome to my channel Creative Mama. Hope you all are fine and doing well. आज हम बनाएंगे फ्रोजन पराठे. Yes, पराठे वो भी फ्रोजन जो आप अपने फ्रीजर में 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको खाना हो उसे गर्म कीजिए और गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए. So without any further delay, just let's begin the video. सबसे पहले एक बर्तन में हम लेंगे घेव का आटा. पीसी हुई शक्कर, तेल और नमक. सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके हम उसमें से एक आटा बनाएंगे. आप जैसे अपने घर में आटा बनाते हैं पराठे के लिए, एग्जैक्टली उसी तरह से आप आटा बनाएं. पराठे के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप से थोड़ा कम पानी यूज़ किया है. इन पराठों के लिए हमें न ज़्यादा सॉफ्ट न ज़्यादा हार्ड डो चाहिए. पराठे तो आजकल हमें कोल्ड स्टोरेजेस और मार्केट में भी मिल जाते हैं, बट अगर हम थोड़ी टाइम मैनेजमेंट करके उसे घर में बनाते हैं तो ये विदाउट एनी केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स बनेंगे. तो ऑफकोर्स ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है. आटा बनाने के बाद हम उसे एक बोल में निकाल के ढक के 20 से 25 मिनट तक उसे रेस्ट देंगे. रेस्ट देने के बाद हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर उसे 2 मिनट तक अच्छी तरह मसल लेंगे. मसलने के बाद हम उसमें से 10 से 12 गोले बनाएंगे. गोलों की साइज आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं. फिर 2 कटोरियों में लेंगे हम गेहूँ का सूखा आटा और थोड़ा घी. और अब आती है पराठा बेलने की बारी. जैसे मैं रोज अपने घर में पराठे बनाती हूँ, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही पराठे बना रही हूँ. थोड़ा सा घी और थोड़ा सूखा आटा लेके मैं यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फोल्ड कर लूंगी. मैं यहाँ पे ट्रायंगल पराठा बना रही हूँ. आपको जो पसंद हो आप वही शेप बना सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल. अब हम बनाएंगे दूसरा शेप. गोल रोटी बेलकर हम जो बचपन में एक जापनीज फैन बनाते थे, हम वही जापनीज फैन आज यहाँ पे फिर बनाएंगे. थोड़ा घी, थोड़ा सूखा आटा और फोल्डिंग हमेशा सामने की साइड से शुरू कीजिए. सामने की साइड से फोल्डिंग शुरू करके अपनी तरफ ले आइए. पेशेंटली कीजिए, ये बहुत पेशेंस का काम है. फिर अच्छे से रोल कर लीजिए और जो लूज एंड है उसे नीचे थोड़ा टक कर लीजिए. और वापस उसे एक राउंड शेप में बेल लीजिए. अब इन पराठों को हम अच्छी तरह सेक लेंगे. हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा, जैसे कि तवा गर्म होना चाहिए पर उसकी फ्लेम या आंच एकदम लो रखिए. हमें फ्लेम ज़्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो पराठों का कलर चेंज हो जाएगा. 5 से 7 सेकंड के बाद पराठों को पलटते रहिए. हल्का पिंक हो जाने पर हम उसे निकाल लेंगे. ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें और एक बार उसे सेकना है,
तो तभी वो शायद जल जाएंगे या बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, इसलिए अब हम उसे कच्चा पक्का ही सेक लेंगे। तो अब हमारे सारे पराठे सेक के रेडी है। देखिए कितने सॉफ्ट और कितने मुलायम बने हैं ये पराठे। अब हम इन्हें स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम नीचे बटर पेपर रखेंगे, फिर उसके पर पराठा, वापस बटर पेपर, वापस पराठा। इस तरह हम एक के पर एक सारे पराठों को रख देंगे। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि सबसे नीचे और सबसे ऊपर बटर पेपर हो। एक साफ ज़िपलॉक बैग लेके हम सारे पराठों को उसके अंदर रख देंगे। अच्छी तरह से हवा निकालते जाएंगे और बैग को सील करते जाएंगे। थोड़ी हवा निकालिए और थोड़ी बैग को सील कीजिए, वापस थोड़ी हवा निकालिए और वापस बैग को सील कीजिए। तो हमारे ये पराठे एकदम रेडी है और हमारा मेहनत वाला सारा काम खत्म हो चुका है। बटर पेपर की जगह आप यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज कर सकते हैं। हम ये पराठे अभी फ्रीजर में रख देंगे और हम तभी निकालेंगे जब हमें उसकी ज़रूरत हो। देखिए ये पराठों को मैं एग्जैक्टली एक महीने बाद फ्रीज़र से निकाल रही हूँ। कितने कड़क हैं ये। काउंटर टॉप पर रख के हम उसे 20 से 25 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। पहले हम उसे बटर पेपर से अलग कर लेंगे। देखिए ये अभी भी कितने कड़क हैं। बीस से 25 मिनट ऐसे ही छोड़ देने के बाद ये पराठे सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए ये अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। फिर एक गरम तवे पर हम उसे जैसे अपने रेगुलर पराठे सेकते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हमें उसे सेक लेना है। देखिए कौन कहेगा ये पराठे एक महीने पहले बने हैं। अगर आपको कहीं बाहर जाना हो या आप कोई हॉलिडे से वापस आए हो तो ये फ्रोजन पराठे बहुत ही हैंडी है। थोड़ी ही प्लानिंग के साथ आप एक कंप्लीट और हेल्दी मील घर पे ही एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपका कुकिंग टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है। हमने पराठे बेलते टाइम जो जापनीज फैन बनाया था वो लेयर्स भी बहुत ही अच्छे निकल के आ गए हैं। ये देखिए हमारे पराठे एकदम रेडी है। सुबह ही मैंने राजमा बना दिया था तो बाहर से आते ही मेरा डिनर बहुत ही कम समय में रेडी हो गया। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मामास किचन ऐप को डाउनलोड कीजिए। सो सी यू सून विद अनदर इंटरेस्टिंग रेसिपी। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।